वक्त एक बड़ी सियासी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले कांग्रेस और अन्य प्रमुख विपक्षी दलों के नेता आज दिल्ली में मुलाकात करके राजनीतिक हालात पर चर्चा करेंगे। साथ ही सरकार बनाने के दावे के लिए गैर एनडीए गठबंधन बनाने की संभावनाओं पर बातचीत करेंगे। बैठक में फैसला किया गया है कि 23 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद महागठबंधन के अन्य भागीदारों के साथ विस्तार से चर्चा की जाएगी। यहां आपको बता दें कि विपक्ष को एकजुट करने के प्रयास के तहत आंध्र प्रदेश के सीएम और टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव शरद पवार समेत कई विपक्षी नेताओं से बीते कई दिनों में मुलाकात की है। तो दिल्ली में आज विपक्ष की बैठक होनी है और ये सब नतीजों से पहले सभी को एक साथ एकजुट करने की कोशिश के तहत है। चंद्रबाबू नायडू पिछले कई दिनों से इस काम में सक्रिय हैं। गैर भाजपा जो राजनीतिक दल हैं या जो नेता हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। और इस खबर पर सीधा रुख करते हैं अपने संवाददाता अमित चौधरी का। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए अमित। अमित, विपक्षी दलों की बैठक आज है, कितने बजे ये बैठक होनी है और किन किन नेताओं के इस बैठक में मौजूद रहने की संभावना है? देखिए भुवन, चंद्रबाबू नायडू जिस तरीके से पिछले करीब 3 दिन से लगातार सक्रिय हैं और एक के बाद एक राजनीतिक दल से मुलाकात कर रहे हैं, राहुल गांधी से, सोनिया गांधी और इसके अलावा मायावती, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तमाम राजनीतिक दलों के मुखियाओं से मुलाकात चंद्रबाबू नायडू कर चुके हैं, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर चुके हैं और जो गैर कांग्रेस गैर एनडीए सरकार है तीसरे मोर्चे का, उसको बनाने को लेकर ये कवायद चल रही है और लगातार तमाम नेताओं को साधने की कोशिश 23 मई के नतीजे आने से पहले चंद्रबाबू नायडू के द्वारा की जा रही है। उसी के चलते आज दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में एक तो मुद्दा ये होगा कि 23 मई को नतीजे आने के बाद किस तरीके का फैसला लिया जाएगा, किस राजनीतिक दल की भूमिका क्या रहेगी, किसकी वोट जिसके ज़्यादा सांसद जीत के आएंगे उसको किस तरीके की भूमिका में रखा जाएगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री बनाने को लेकर, तीसरे मोर्चे के प्रधानमंत्री बनाने को लेकर भी पिछले दिनों चुनावी माहौल में कई नाम सामने आए थे। ममता बनर्जी का भी नाम सामने आया, मायावती का भी नाम सामने आया। उसके अलावा एग्जिट पोल में जिस तरीके के नतीजे दिखाए गए हैं, बीजेपी को बहुमत दिखाया गया, उसको लेकर भी एक बड़ी रणनीति इन 22 राजनीतिक दलों की तरफ से बनाई जा सकती है, क्योंकि ईवीएम पर सवाल उठाए गए थे कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। और सोशल मीडिया की अगर बात करें भुवन, तो पिछले 2-3 दिन से लगातार इस तरीके की वीडियो वायरल है कि ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ की गई है। कन्नौज सहित कई जिलों में इस तरीके के जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं या अन्य विपक्षी नेता हैं, उन्होंने सवाल उठाए कि ईवीएम मशीन की निगरानी के लिए जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उनको बंद कर दिया गया है। तो उसको लेकर भी इस मीटिंग में चर्चा होगी और चुनाव आयोग से आज मुलाकात जो है चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में 21 जो राजनीतिक दल हैं वो करेंगे और वीवीपैट से पर्चियों का मिलान कराने की जो मांग है वो रखी जाएगी। हालांकि चुनाव आयोग उसको कितना गंभीरता से लेता है इनकी मांग को, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन राजनीतिक सरगर्मियाँ आज दिल्ली में काफ़ी हैं और तमाम राजनीतिक दलों का जमवाड़ा लगा हुआ है। 23 मई को नतीजे आने से पहले एक रणनीति बनाने की जो कोशिश है वो की जा रही है भुवन। बिल्कुल, और जाहिर है अमित की सरकार किसकी बनेगी इस सवाल का जवाब मिलने से पहले, चूंकि 23 तारीख को जनादेश आना है, लेकिन उससे पहले ही सुगबुगाहट तेज है, हर कोई अपना अपना होमवर्क कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि चंद्रबाबू नायडू पिछले दिनों जिन जिन नेताओं से मिले, क्या वो नेता दिल्ली पहुँच रहे हैं या वो इस बैठक में शामिल हो रहा है, इस बात की गारंटी है क्या? और अभी क्या कुछ हलचल आई है, कौन कौन से नेता इस वक्त दिल्ली पहुंच चुका है, अराइव्ड कर चुका है, क्या कुछ खबर? देखिए भुवन, तमाम राजनीतिक दल जिनसे मुलाकात हो चुकी है चंद्रबाबू नायडू की, उन सबको आमंत्रित यहां पर किया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो तमाम राजनीतिक दलों के साथ में मीटिंग होगी और मीटिंग होने के बाद में फैसला लिया जाएगा कि आखिर अगली रणनीति क्या होगी। अरविंद केजरीवाल की बात करें, वो दिल्ली में मौजूद हैं, चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता दिल्ली में मौजूद हैं, ममता बनर्जी को भी न्योता दिया गया है लेकिन वो अभी तक पहुँची नहीं है। अब कौन कौन नेता यहाँ मंच साझा करते हैं, क्योंकि वह चुनाव से पहले भी गठबंधन को लेकर कई मीटिंग हुई थी इन संगठनों को लेकर जो राजनीतिक दल हैं, उसमें पश्चिम बंगाल में मंच साझा किया गया था, दिल्ली में भी कई मीटिंग हुई और मुद्दा
एक साथ गठबंधन को लेकर उठाया गया था। चंद्रबाबू नायडू इसकी अगुवाई करते हुए दिखे थे। हालांकि चुनाव के पहले कई राजनीतिक दलों के आपस में गठबंधन नहीं हो पाया था, अकेले कई जो राजनीतिक दल हैं वो चुनाव लड़े। अब ऐसे में देखना यही होगा कि कितना साथ पाते हैं चंद्रबाबू नायडू तमाम राजनीतिक दलों को, और आने वाले समय में किस तरीके की जो रणनीति है उस रणनीति के तहत जो गठबंधन है वो होगा। हालांकि सबसे पहले जो चुनावी नतीजे हैं उनका इंतजार करना होगा कि 23 मई को किस तरीके के नतीजे आते हैं और जनादेश किस राजनीतिक दल को सबसे ज़्यादा सीटें देता है, उसी के बाद ये तय होगा कि तीसरा मोर्चे का गठन होगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी या बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन इतना साफ है कि जिस तरीके से सरगर्मियाँ देखी जा रही हैं पिछले 3 से 4 दिन में लगातार तमाम राजनीतिक दलों में, उसको देखकर ये साफ तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो अपनी अपनी रणनीति है उस रणनीति को तैयार करने में तमाम राजनीतिक दल जुटे हुए हैं। भुवन, बिल्कुल एग्जैक्ट नतीजे आने से पहले अमित, एग्जिट पोल के नतीजे सामने हैं और ये कहा जा सकता है कि इन एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं या जो कहें एक तरह से रुझान दिखा रहे हैं उससे पेशानी पर बल ज़रूर आ गया है विपक्षी दलों के नेताओं में, और लिहाजा ये बैठक भी अपने आप में बहुत ज़रूरी हो गई है। चाहे उत्तर प्रदेश में गठबंधन की हम बात कर लें उसको लेकर एग्जिट पोल्स जो आंकड़े दिखा रहे हैं, या फिर ओवरऑल अगर हम NDA या UPA की बात करें उसको लेकर जो आंकड़े आ रहे हैं, तो परेशानी हर किसी के लिए, लिहाजा एकजुट होना अब एक मजबूरी भी है इन तमाम नेताओं के लिए। बिल्कुल भुवन, जो एग्जिट पोल के नतीजे आए उन नतीजों को लेकर अगर विपक्ष के नेताओं के बयान पर गौर डाली जाए तो एग्जिट पोल के नतीजों को सिरे से विपक्ष नकार रहा है। दूसरी तरफ NDA की बात की जाए, BJP की बात की जाए तो तमाम नेताओं में खुशी की लहर देखी जा रही, जिसको लेकर आज की अगर बात करें तो NDA ने भी एक बड़ी मीटिंग बुलाई है। तमाम जो घटक दल हैं उनके साथ बीजेपी नेताओं की मीटिंग होगी तो उसको लेकर NDA भी अपनी तैयारी पूरी कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात की जाए या चंद्रबाबू नायडू जिन नेताओं से पिछले दिनों मिले उनकी बात की जाए तो दोनों ही तरफ से जो रणनीति है एक रणनीति बनाने की कोशिश की जा रही है। उसमें चुनाव आयोग से मुलाकात करनी हो या जिन राजनीतिक दलों से चंद्रबाबू नायडू पिछले दिनों मिले हैं उन राजनीतिक दलों को लेकर किस किस तरीके से आपस में सहमति बनेगी वो आने वाले समय में ही साफ हो पाएगा। भुवन, चलिए बेहद शुक्रिया आपका अमित इस तमाम जानकारी के लिए। निश्चित रूप से आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि आज विपक्ष लामबंदी की कोशिश कर रहा है और चंद्रबाबू नायडू पिछले 2-3 दिनों से जो एक्सरसाइज कर रहे हैं आज उसका हम एक तरह से कहें कि परिणाम भी हमें देखना है कि इस बैठक में कौन कौन मौजूद रहता है, इस पर नजर रहेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और TDP के नेता एन चंद्रबाबू नायडू ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और TMC के प्रमुख ममता बनर्जी से उनके आवास पर मुलाकात की। त्रिशंकु जनादेश की स्थिति में केंद्र में गैर भाजपा सरकार के गठन को लेकर चर्चा की गई। TMC के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि अमरावती से यहां पहुंचे नायडू ने महागठबंधन की भविष्य की रणनीति को लेकर बनर्जी से 45 मिनट तक चर्चा की। सूत्रों ने कहा कि आज की बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि 23 मई को चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद त्रिशंकु जनादेश की स्थिति में महागठबंधन के अन्य राजनीतिक दलों के बीच चर्चा होगी। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी नेताओं को लामबंद करने की कोशिशों में लगे हुए हैं नायडू, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी को फोन भी किया है। आपको ये जानकारी दे दें कि महागठबंधन की प्रस्तावित रणनीति पर चर्चा की गई है तो सब एक दूसरे के संपर्क में हैं और आज दिल्ली में इसी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है।